नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के पंचायत मंत्री द्वारा सरपंचों को विकास कार्यों के लिए 2 लाख तक की पावर देने और सरपंच द्वारा पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप के बीच हरियाणा के यमुनानगर के रादौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक डॉक्टर बीएल सैनी का कहना है कि सरपंच नहीं बल्कि अधिकारी फंड का दुरुपयोग करते हैं। सरपंचों को 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य करने की पावर दी जानी चाहिए। यह है अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। यही कहना चाहते है ना कि भी इनको 2 लाख रुपए दो, इसे फालतू मत दो। अगर फालतू देंगे क्या ये खा जाएंगे इसको? नहीं, ये फिर भी अपने गांव के अंदर लगाएंगे, क्योंकि इनको अपने अपने गांव के लोगों ने बनाया है और अपने गांव में लगाएंगे। इनको गांव से मामता है, अपने गांव से हर एक को प्यार होता है, मामता होती है। वो काम करवाना चाहते हैं लेकिन काम होएगा पैसे से, इसलिए इनको 10-10 लाख रुपए पैसे दिए जाएं और 20 लाख तक खर्चने की इनको पावर दी जाए, ऐसा मेरा मानना है। कौन सा गलत है? ये सरासर गलत है कि 2 लाख तक की पावर दो, बाकी अधिकारी खर्चेंगे। ये ठीक नहीं है। अपने अधिकारियों के ऊपर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं और चुनी पंचायत के चुने नुमाइंदों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसका तो यही मतलब हुआ कि विश्वास नहीं कर रहे। मैं एक आग्रह कहूंगा कि प्रत्येक पंचायत को जिले के अंदर कम से कम 10-10 लाख रुपए प्रत्येक सरपंच को मौजूदा इसी वक्त दे, ताकि वे गांव में कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू करें। क्योंकि जिसके गांव में पैसे बोली से, जमीन की बोली से या किसी जोड़ की तालाब की बोली से आए भी हैं, वो पैसे मैंने तकरीबन देखा है कि बैलेंस पंचायतों के अंदर इस टाइम 0 है, कोई पैसे नहीं है। तो ये सरपंच कहां से काम करेंगे? इनको डायरेक्ट जो है सरकार पैसे दे या MLA के माध्यम से दे। एक MLA को 5-5 करोड़ रुपए दे, ताकि वो गांव के अंदर सरपंचों को बुला बुला करके उनको फंड दे, चाहे वो MLA सरकार का है चाहे बिना सरकार का है। ऐसे भी कर सकती है, उसमें MLA भी खुश हो जाएगा और जो सरपंच है वो भी पंचायत है वो भी खुश हो जाएंगे। या अगर MLA को बीच में नहीं लेना चाहते तो सीधी बात यह है कि एक एक पंचायत के अंदर 10-10 लाख रुपए सरकार की तरफ से उनको सरपंचों को दिया जाए, उनकी पंचायतों के खाते में जमा कराए जाएं, ताकि सरपंच अपने गांव के अंदर विकास के काम करवाने शुरू करे। ये मेरा कहना है। देखिए, ये कहना पंचायत मंत्री ने जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं बात से। मैं इस बारे में एक बात बताना चाहता हूं आपको कि लगभग 2 साल तक प्रत्येक ग्राम बिना ग्राम पंचायत के रहा है। सरपंचों के चुनाव जब सरपंच से बस्ते लिए थे तो उससे आज तक लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, और उसमें इस दौरान जमीनों की बोलियां के पैसे भी आए, सेंटर के फंड भी आए, स्टेट के फंड भी पंचायत में गए, और इसी प्रकार से जो है कोई किसी का तालाब कोई ठेके वगैरह उसके पैसे आए, ये सारे पंचायत के अंदर जमा हुए। लेकिन अगर आज उस पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जबकि कोई सरपंच या पंचायत गांव में नहीं है, तो वहां का बैलेंस 0 है और गांव के अंदर जो विकास काम हुए वह भी 0 है। यानी कि वो पैसा कहां गया? ये जो कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए, और भाई सीधा साधा ये है कि सरपंचों को बेईमान साबित करना चाहते हैं कि सरपंच जो है वो पैसे खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे तो अधिकारी खा जाते हैं, और उसके प्रूफ अगर चाहो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। कुछ पंचायतों के नाम मेरे को अभी भी याद हैं कि वहां पर 2 साल से जमीन की जितनी बोली का पैसा आया वो सारे का सारा ये अधिकारी लोग मिलकर के अड़प कर गए। उस पंचायत में वो पैसा 0 है, कोई पैसा नहीं है। तो इसलिए ये सरपंचों के ऊपर, पंचों के ऊपर, पंचायत के ऊपर जो ये एक बेईमानने का बेईमाना कर देंगे, ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सरपंच अपने गांव के अंदर काम करवाएगा, और अगर 100 रुपए का काम है तो नहीं भी ज्यादा वो 80-85 रुपए उसमें से जरूर लगाए, कोशिश करेगा। और जो ये अधिकारी जो टेंडर का माध्यम से जो है उसमें क्या है, कुछ तो अधिकारी कमीशन के रूप में खा जाते हैं, कुछ ठेकेदार बचा जाता है, मटीरियल अच्छा नहीं लगाता, ईंट अच्छी नहीं लगाता,
सीमेंट बढ़िया क्वालिटी का लगाता, जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगाता, तो करप्शन तो वहां है। ये जो सरपंच निर्वाचित होकर के आए हैं, ये कौन सा करप्शन कर रहे हैं? करप्शन तो अधिकारी करते हैं। तो इसलिए ये पंचायत मिनिस्टर का ये कहना अच्छी बात नहीं है, जो एक इनडायरेक्ट तौर पर सरपंचों को, पहले ही वो सरपंच बने हैं अभी, उन्होंने कुछ किया भी नहीं है, और उनके ऊपर एक प्रकार से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर एक लांछन लगा दिया जाए कि ये बेईमान है। देखिए नंबर एक पे तो ये नंबर बनाने का एक ड्रामा था, जब पंचों सरपंचों की औथ हो चुकी है, जिला परिषद के सदस्यों की, ब्लॉक समिति के सदस्यों की औथ हो चुकी है और उनको चार्ज मिल गए हैं, तो इस तरह इकट्ठे करने का कोई जरूरत नहीं थी। और उसमें जब सरपंचों ने ये मांग रखी कि सरपंचों की जो पावर है वो पहले की तरह, जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में 20 लाख रुपए तक एक सरपंच खर्च कर दिया करता था, और अब इन्होंने कहा है कि 2 लाख तक सरपंच करेगा और उसके ऊपर टेंडर होंगे। मैं कहता हूं ये कोई, इससे कोई विकास कार्य नहीं होंगे। एक तरफ जो हम कह रहे हैं कि विकास कार्य बड़ी गति से पूरे प्रदेश के अंदर होने चाहिए, गांव के अंदर होने चाहिए, जो नई पंचायतें हुई हैं वो विकास कार्य करें, लेकिन विकास कार्य कोई भी हो वो पैसे से होता है, बिना पैसे कोई विकास कार्य नहीं होता। सरपंच कोई अपने घर से कोई पैसे नहीं लगा सकता, कोई MLA अपने घर से पैसे नहीं लगा सकता। तो इनको पहले तो मेरी मांग ये है कि इनकी 2 लाख से हटा करके 20 लाख तक की पावर करनी चाहिए, क्योंकि टेंडर के माध्यम से तो पहले भी अधिकारी काम कर ही रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं उसमें बहुत से नुक्स भी पाए जा रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग भी बहुत जगह मिला है। जब से पंचायतें हटी थी तब से लेकर के अब तक लगभग 1.5-2 साल हो गए, लगभग 2 ही साल हो गए, 2 सालों में पंचायत फंड का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया है, क्योंकि कोई सरपंच देखने वाला नहीं था, कोई पंचायत अंकुश लगाने वाली नहीं थी। तो सरपंचों को सीधी डायरेक्ट पावर होनी चाहिए कि वो 20 लाख तक के कार्य करे, उसमें कोई पंचायत जो अपने क्या कहते हैं इसको, पंचायत एक्शन होता है पंचायती राज, या कोई SDO होता है पंचायती राज, कोई JS का कोई रोड़ा वोड़ा नहीं होना चाहिए। सरपंच अपने माध्यम से करे, वो गांव का सरपंच है, उसको फिर भी कुछ ना कुछ अपने गांव में काम करने के, जब कोई पैसा अगर दुरुपयोग करेगा उसको कोई लिहाज शर्म रहेगी, उसने कोई ना कोई लिहाज शर्म उसको रहेगी, वो काम करेगा। और जो ये अधिकारी काम करते हैं इनको क्या शर्म है, क्या इनको लिहाज है? तो इसलिए ये पावर इनकी बढ़ानी चाहिए। हमारे जब सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार, अगली सरकार कांग्रेस की है, सरकार आएगी तो हम सारे के सारे कार्य, चाहे वो 2 लाख का, चाहे 10 लाख का, चाहे 20 लाख का, वो पंचों सरपंचों और पंचायत से ही करवाने का काम करेंगे, हम इनको फुल पावर देंगे। और दूसरी बात ये, ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।